Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Husabir Shah here for home gardening. Aur aaj ka hamara topic hai kaun si sabziyan jo hai wo hum ghar mein sardiyon mein laga sakte hain chote-chote gamlon mein jo ke hame 20-30 din ke andar andar apni harvest dena shuru kar de aur hum to let's go there and see. Usme sabse pehle aage janab lettuce, ye jo usko leaves kehte hain Pakistan mein aamtaur pe. हमारी सेकंड क्रॉप जो बनती है वो उसको सिलेंट्रो कहते हैं, ये धनिया भी इसको कहा जाता है. ठीक है जी, धनिया जो है वो ये तो -10 डिग्रीज में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ठंड के मुकाबले में, कोरा भी ये आराम से सह लेता है. नेक्स्ट क्रॉप हमारी आ गई जनाब आलू. अगर आप गौर से देखें तो ये आलुओं के छोटे छोटे बूटे निकलना शुरू हो गए हैं, जो मैंने कोई लगाए हुए हैं 30 के करीब आलू. सर्दियों में ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे टॉप पर, विच इज़ वेरी गुड. इसके बाद इसको सोए कहा जाता है पंजाबी में, और साथ ही ये धनिया भी लगा हुआ है. ये धनिया जो है ये भी सर्दियों की सब्ज़ी है, मैंने वैसे अलहदा गमले में लगाया हुआ है यहाँ पर. इसके बाद आ गई जनाब ब्रोकली, बंद गोभी और कॉलीफ्लावर जो हमारी पाकिस्तान में यूज़ होती है, ये भी सर्दियों की फसल होती है और ये भी 90 से 120 दिनों में अपना पूरा जो है वो फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली का जो हेड होता है वो आपको मिल जाता है. ठीक है, हमें यहाँ पे हीट का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं होती. बट ये जो जी छोटा सा ग्रीन हाउस है, इसमें मैंने चीज़ें सेव की हुई हैं, अपने दरख्त शरख्त और चेरी का दरख्त है. और ये जो आपको इसमें गंद नजर आ रही है, गंद नहीं है, सारा भूसा और खुश्क पत्ते हैं, और ये ग्राउंड को गर्म रखते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है छत छत भी बनी हुई है इसकी. बाकी जो पौधे अगले साल दोबारा निकलने हैं उनको मैंने टनल्स में सेव कर दिया. गाजरों के यहाँ पे मैंने साइड पे साइड लगाए हुए हैं. अगेन इनका डबल फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा सबसे इनका ये है जनाब कि गाजर जो है वो थ्रू आउट ये -10-15 तक भी जो है ना ये इनको कुछ भी नहीं होता पत्तों को. और गाजर की जगह कड़म का साग कहते हैं हम इसको, ये भी सर्दियों की फसल है. पुदीना भी अगर आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है घर के अंदर लग सकता है ये बड़े अजीब तरीके से. गुलाब वगैरह सारे सिक्योर्ड हैं इस छोटे से कंटेनर टाइप ग्रीन हाउस में, विच इज़ फुली कवर्ड विद प्लास्टिक. यहाँ पर आपको मिलेंगी ये रेडिशेस, जो लाल वाली मूली होती है गोल वाली, चिकंदर नहीं, चिकंदर तो बीट्स होते हैं, ये रेडिशेस हैं रेड रंग की, इनके बॉटम में भी लगेंगे. तो ये भी सर्दियों में, और अगेन 22-30 डेज दिस इज़ गोना बी रेडी. इनको रेडी हो चुका है तकरीबन हफ्ते से ऊपर हो गया है. नेक्स्ट कूल वेदर क्रॉप है वो है पालक. सो पालक जो है वो भी गर्मियों में ये अच्छी नहीं रहती, ये सर्दियों में ठीक ठाक इसकी ग्रोथ होती है कि, और बहुत हार्डी है ये, -10 तक ये जा सकता है. इसके लीव्स वगैरह कुछ नहीं, जमते जमते नहीं है. बाकी गार्डन की सारी गन जो है वो एक ही जगह पे मैं डंप कर रहा हूँ, लेटर ऑन ये सब जाएगा बड़ी बिन में, ताकि इससे मैं खाद बना सकूँ देसी. आखिरी टमाटरों का दरख्त बाहर रह गया बूटा में, देयर इज़ वन रेड हियर, लेकिन ये इसके साथ अब चेक कर लेंगे यही साइज आएगा. ये अगर मैंने सिर्फ 15 दिन पहले लगाए होते इस साल तो ये मेरे हाथ जितना बड़ा साइज का होता था, लेकिन आप अमाउंट ऑफ फ्रूट देखें, इट इज़ टू मच. तो इसका मतलब है कि आई डिड प्रिटी वेल जॉब. मोर रेड वंस, छोटे छोटे हैं. वैसे जो ग्रीन टमाटर हैं उनको पकाने का तरीका भी होता है, बड़ा इजी है. एक ही जुमले बताता हूँ कि इनको उतारें, इनको अखबार में लपेट के गर्म जगह पर 3 दिन के लिए रख दें, बीच में केला डाल दें, दैट्स इट. ये आपको 3 दिनों में लाल सुरख हो जाएंगे. सो जब मेरा यहाँ पे फ्रॉस्ट पड़ेगी बाहर तो मैं इनको ले जाऊँगा, अंदर पका लूँगा. ये थी थोड़ी सी सैर और फिज़िकली आपको दिखा दी. अब नेक्स्ट स्टेप में इनको लगाना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सीड मिक्स बनाना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं घर में स्टार्ट करने के लिए इनको. सो स्टे ट्यून्ड, आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे.